हाय हाय, रातों रात ही सारे का सारा रगड़ गए हैं ये लोग। मुझे तो समझ नहीं आती इनके टेढ़ा या खू है, सारा का सारा खा गए। इतना सा बस छोड़ा गरीब इंसान के लिए। चलें इसको खत्म करते हैं इससे पहले कि इसको ये लोग खा गए। अल्लाह करके जी, लाइट आ गई है। देखिए भाई भी आ गए हैं। अब मैं नहाने जा रहा हूं। हां कर तो वापस अपने रूम में आ गया हूं। अब देखिए भाई, मुझे तंग करने के लिए मेरे सर पे खड़े हैं। देखिए भाई, दफा क्यों नहीं होते आप? है ना कि भाई जी, दफा क्यों नहीं होते? जूता चाहिए? एक तो ये ना जूता हर वक्त ना ये जो मांगने पे है। सिंपल और सीधा सा इल्तमास आपसे यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और बाकी है कि जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। और व्लॉग को करते हैं शुरू। उम्मीद है आज के दिन भी बहुत अच्छा होगा, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। छत पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिर अब क्या हुआ है। देखे जी, ये बिल्ली अपने क्राइम पार्टनर को भी साथ में ले गई है और डरती नहीं है। ये देखिए, मैं पास ही गुजरूंगा। ये देखिए, डरने का आता पता नहीं, ये फिर भी डरती है। ये कट के गुड्डी कहीं से आई है। धागा देख रहे हैं आप, ये धागा जा रहा है। उड़ाएं कि ना उड़ाएं, इतना ही धागा आया है। ये मैं पकड़ लेता हूँ ताकि गुड्डी ना छूट जाए। और न कि भाई गुड्डी उड़ा रहे हैं। नकी भाई उड़ा ले, उड़ा ले, उड़ा ले, उड़ा ले, उड़ा ले। बसंत की पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं जी। और आप उड़ा पता नहीं किस तरफ रहे हैं ना नकी भाई। ओए होए, हवा आई है। नकी नकी का जूता पीछे रह गया, नकी आ गई। नहीं जी ना, मुझे नहीं लग रहा नकी भाई से गुड़ी उड़ेगी, लेकिन नकी उड़ाने में कामयाब तो हो गया, लग तो रहा है। ओए होए होए, नकी नीचे गया जी नलकी लेने। नलकी उसको पता नहीं अभी मिली है कि नहीं मिली, लेकिन तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मैं आप छत पे क्यों आया। मैं छत पे इसलिए आया हूँ, सुबह आज तकरीबन 8 बजे की लाइट गई हुई है और फुल पसीनों पसीन पूरा दिन आज गुजरा, भीगे हुए बुरे हालात दिन गुजरा। खैर, लाइट आई 3:30 बजे, 3:35 बजे तकरीबन लाइट आई, 33-34 मिनट पे आई लाइट। ठीक है, आई लाइट। उसके बाद ये आपका भाई उठा, नहाया धोया, नमाज पढ़नी थी नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ रहा था तो बीच में फिर लाइट चली गई। तो खैर, अब छत पे आए हैं तो छत पे आके रबी तौर पे आके मैं ये गुड्डी मिल गई। तो नकी भाई इसको उड़ाने का इरादा कर रहे हैं। अगर तो पुलिस आ गई तो नकी भाई को पुलिस ने पकड़ लेना, और नकी भाई पुलिस में आज पकड़े गए तो फिर आपको वो भी मनाजिर दिखाएंगे कि नकी भाई को पकड़ने के बाद क्या हालात बने। नकी भाई डोरी लेने गए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बुराई का इस टाइम गढ़ बनी हुई है, तो इसलिए हम इसको ख़राब कर देंगे ताकि नकी भाई के दिल को हाथ पड़े। नकी की गुड्डी ख़राब करके हम लोग वापस नीचे कमरे में आ चुके हैं। अब ये क्या बैठा हूँ नीचे, ये मोबाइल की लाइट जल रही है, पत्नी की जल रही है, इसको बंद करता हूँ। खेम साहब बताएं क्या मसला है। बेगम साहब बेसिकली मुझे अब ये कह रही थी कि जी काका साहब को ना इंजेक्शन लगवाना, तो इंजेक्शन लगवाने के लिए अब काका साहब को घर से जाना पड़ेगा, तो चलते हैं काका साहब को इंजेक्शन लगवा के लाते हैं। काका साहब तैयार है फुल हैवी किस्म के। क्या बात है काका साहब, क्या बात है भाजी प्रेम। नकी भाई भी आ गए, चलना चलना काके को लेके। तो खीर खोल नहीं आती है। निशान चलिए भी लगा और फीडर पीता हो जा। प्रेम है रेडी और हम जा रहे हैं डॉक्टर। हॉस्पिटल आ गए थे जी, लेकिन जो इंजेक्शन हम लगवाने थे ना काका साहब को, वो डॉक्टर जो इधर बैठे हुए थे ना, उन्होंने बताया कि जी ऑलरेडी आप इसको सीरप फॉर्म में एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो अब इंजेक्शन भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट ना करे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो इनका जो पीट का स्पेशलिस्ट है पहले आप उससे कंसल्ट करें। तो खैर, मैंने फिलहाल ये फैसला किया कि अभी हम लोग घर जाएंगे, इंजेक्शन बाद में देखेंगे, अगर लगवाना हुआ तो लगवाएंगे वरना फिलहाल घर जाएंगे। अमीर साहब चाका खेल रहे हैं काका साहब को वहाँ पे ना पिलर के पीछे। लॉक है, दूसरे से चलते हैं। खाना अल्हम्दुलिल्लाह जी पक चुका है, खाना खाया है, आलू मेथी बनी हुई है और साथ में ये बने हुए चीज़ बॉल। और ये चीज़ बॉल जो ये देखें ज़रा जी, ये काका साहब के बने हुए हैं
ये काके का है, ये वाला कहाँ है? ये भुखे लोग आ जाते हैं। चीज बोल काके का। बहुत कमाल। खाने के बाद चिल्ड किस्म की स्प्राइट पीना तो लाजम है ना जी जनाब। One hour later. अब जी कमाल हो गया है। बहुत आला भजन जी, बहुत आला हो गया। लाहौर कलंदर का और मुल्तान सुल्तान का मैच चल रहा है जी। मुल्तान सुल्तान ने 160 का टारगेट दिया लाहौर कलंदर को। 5 ओवरों में 50 प्लस स्कोर था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 का टारगेट देंगे, बट लाहौर कलंदर ने बढ़िया आला बॉलिंग की है यार। बहुत आला है वो राशिद खान, और उसने बहुत आला स्कोर किया। हां बहुत आला। मैं यार 5 ओवरों में मैं 50 देख रहा हूं, और मैं प्रेडिक्शन स्कोर के अंदर मैं हिसाब लगा रहा हूं यार, ये 200 स्कोर अपनी प्रेडिक्शन लगा रहा हूं, और जब 12वें ओवर में प्रेडिक्शन शो कर रहा है तो वो 130-140 की प्रेडिक्शन। मैंने कहा यार ये इतना स्कोर कैसे रुक गया, मतलब मेरा ध्यान कहीं और था। एक आउट और 18 स्कोर थे। बहुत बात, बड़ी बात है जी। बहुत आला, बहुत ही आला मैच चल रहा है जी। अभी ये लाहौर कलंदर का मैच चल रहा है, दोनों कमरों में फैमिली बैठी हुई, उधर भी कजन्स चचा वगैरह बच्चे वगैरह बैठे हुए, इधर भी हम लोग सब बैठे हुए माशाल्लाह। तो शुक्र मेला चल रहा है, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और अब्बा की बन गया लाहौर कलंदर के साथ बहुत भैड़ी हो रही है फिलहाल। तो लाहौर कलंदर बहुत बुरी तरीके से हार रहा है। देखें मेरे शायकी ने क्रिकेट में उनके मुंह लथ गए हैं। इसका तो मुंह देखें ऊपर भी जा तो बड़ा ही बुरा लग रहा था, लथा हुआ तो बहुत ही बुरा लग रहा है। माशाल्लाह लाहौर कलंदर साहिबा, लाहौर कलंदर की और मुल्तान सुल्तान मिर्जा तो जी लाहौर कलंदर जो फिलहाल तो बुरी तरीके से हार रहा है। हम लोगों को वैसे अंदर से हम लोग दुखी हुए हैं, लेकिन हम लोग शुगर मेले में हंस रहे हैं, लेकिन बड़े बुरे हालात हैं लाहौर के पास। चांस मिलेगा लाहौर को। हारिस साहब का छक्का, आला भाई आला। और कमाल का कर, इसने कर दिया ना स्कोर। अल्लाह खैर करे भाई, साथ में दूसरा भी बैट्समैन खड़ा देना। डेविड वी से अगली बॉल है, सानला ने बड़ी प्यारी बीट करी। ओए आप में लड़ाई भी हो गई है। नहीं नहीं नहीं, गलत इशारा किया, गलत इशारा। और बुरा दिन लाहौर कलंदर के लिए, लाहौर कलंदर मैच हार गया है। अलीम भाई शुरू से इतना आला खेला। अलीम भाई आपको स्मेल आ रही है, आप जरा परफ्यूम लगा लीजिए जी। मोटी ने लाहौर कलंदर पूरी तरीके से मैच हारा है। जो स्टार्टिंग के मैचेस थे ना वो बहुत आला खेला। हां जी, एंड के आगे पता नहीं क्या हो गया। ये समी एक चांस है अभी, लेकिन मामला गड़बड़ है जी। जनाबे अली मुकाम बहुत ही भेड़े लाल चल रहे हैं। ऐसे करके जैसे मैं लेटा हूँ ना, ऐसे करके लाहौर के अंदर का लम्हा डाल लिया मुल्तान सुल्तान ने। आंधी आंधी लाहौर के अंदर के बैट्समैन को उड़ा के। नहीं तुम लोग कहना क्या चाह रहे हो? देखिए चेक करें जी, ये बच्चा भी अब माशाल्लाह क्रिकेट पे और बैटिंग पे और बॉलिंग पे माशाल्लाह तबसरा कर रहा है, जिसने आज तक कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है। चेक करें, इस वजह से का बहुत बड़ा फैन है। इसी वजह से ना पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल हो रहा है कि बॉल यूं आया, यूं आया, यूं आया, ये अली भाई कमाल हो गया। कमाल उसने यूं किया, यूं सीधा आ रहा था एकदम, वो आगे झोंका। अच्छा जी अन्नी पै गई। अनफॉर्चुनेटली आज फिर लाहौर कलंदर का दिन नहीं था, मुल्तान सुल्तान का दिन था। मुल्तान सुल्तान मैच जीत गया। इंडिया को ऊपर नहीं आना चाहिए था। वो बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। देखिए जी बात लगा, उसको लगा कि उसने ना पिछले मैच, पिछले एक दो मैच पहले ना, दो मैच पहले, दो मैच पहले, लेकिन मैच तो वो भी आ रहे थे जी, 58 मारा था, 52 या 58 स्कोर मारा। वो इस वजह से उसने कहा कि आज मैं और ऊपर आऊंगा ना तो शायद मैं 150-200 मार दूंगा अगले अगले मैच में। मेरे ख्याल से ये ओपनर से भी पहले आ जाएगा, ओपनर से भी पहले आ जाएगा ये, मेरे पहले आके खड़ा। ये मेरे ख्याल से क्रिकेट मैच शुरू होने से भी 3 दिन पहले आ गए ना, तो पिच पे बैठ जाएगा कि बस मैंने सबसे पहले आना है। ऑब्वियसली एक जो बॉलर है उसका काम है बॉलिंग कराना, और बैट्समैन का काम है बैटिंग करना। बैट्समैन को आप मौका दो, वो अगर बैटिंग करे वो अपना फर्ज अदा करे। अब जब एक बैट्समैन आउट हो जाता है ना, वो अनसेट हो या सेट हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो जो अगला बैट्समैन आता है उस पर प्रेशर बन जाता है। आज का ब्लॉग ही पेंड करते हैं। दुआ उम्मीद से कि आप लोग आज के दिन खैरियत से गुजरा होगा, आपका आने वाले दिन बहुत अच्छा, बशर्ते जिंदगी कल आदमी मुलाकात होगी किसी नई जगह पे, किसी नए मुकाम पे, किसी नए काम से। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें मेरी तरफ से और मेरे इन तकरीबन अजीबोगरीब किस्म के बच्चों की तरफ से। अल्लाह हाफिज और शब्बा है, और मेरे ना खब्बा है ना सज्जा है, शब्बा है, शब्बा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पैगाम तो फतन हदीयतन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।